गाजियाबाद से ही अगली बड़ी खबर है। कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर अटैक किया है, हमला किया। 11 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया है और गाजियाबाद की रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुत्तों का आतंक आप देख लीजिए। कुत्तों का हमला सीसीटीवी में कैद हुआ और गाजियाबाद में कुत्तों के झुंड ने एक बार फिर बच्ची पर हमला किया है। 11 साल की बच्ची बताई जा रही है जो कि कुत्तों के हमले से घायल है। गाजियाबाद की रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है। सोसाइटी के भीतर ये स्ट्रीट डॉग्स आते हैं और किस तरीके से 11 साल की बच्ची पर ये अटैक करते हैं, इसका सीसीटीवी सामने है। अब कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। तमाम कदम उठाने की बातें कही जा रही हैं नगर निगम की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी ये नया मामला फिर से सामने आ गया। कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर अटैक किया, गाजियाबाद की तस्वीर है। 11 साल की बच्ची जिन पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हालांकि वहां पर गार्ड भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं जो तत्परता के साथ बाहर निकलते हैं, तत्परता दिखाते हैं, और उनके बाहर जाते ही डॉग वहां से निकलते हैं। उससे पहले बच्ची पर किस तरीके से हमला किया उसको भी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी की चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, नया मामला है। इसके अलावा फिरोजाबाद की तस्वीर भी है, मासूम को यहाँ पर कुत्तों ने नोचा, और ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीर आपके सामने, जहां पर आवारा कुत्ते का आतंक दिखाई दिया, गार्ड पर हमला किया। और चौथी तस्वीर है ग्रेटर नोएडा की ही, यहाँ पर लिफ्ट में एक बच्चे पर किस तरीके से कुत्ते ने अटैक किया। ये चार तस्वीरें आपके सामने, तमाम कदम उठाने के दावे, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा कुत्तों का जो आतंक है या फिर पालतू कुत्तों का जो आतंक है वो रुक नहीं रहा। गाजियाबाद का नया मामला आपके सामने है, जहां पर 11 साल की बच्ची पर अटैक किया है आवारा कुत्तों के झुंड ने। इसके अलावा मासूम को नोच डाला फिरोजाबाद में, उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में दो केसेस सामने आए हैं, कुत्ते का हमला एक गार्ड पर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, और दूसरी तस्वीर लिफ्ट के भीतर की, जहां पर एक बच्चे पर अटैक किया था पालतू कुत्ते ने। और ग्रेटर नोएडा में हालांकि तमाम कदम उठाए गए हैं इसको लेकर, जुर्माना भी तय किया गया है, और कुत्ते के हमले में अगर कोई घायल होता है तो उसका पूरा खर्चा जो पालतू कुत्ते का मालिक है वो यहाँ पर उठाएगा। और गाजियाबाद में भी ये कहा जा रहा है कि नगर निगम बहुत सख्त है, कदम यहाँ पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में डर अब दिखाई दे रहा है। ना सोसाइटी के बाहर बच्चे सेफ हैं, भीतर आते हुए जब बच्चा भागता है तो पीछे से कुत्तों का झुंड आकर के अटैक कर देता है। सीधे शक्ति का रुख कर लेते हैं, शक्ति और अधिक जानकारी देंगे। शक्ति, देखिए लगातार ये दावा बार बार किया जा रहा है हर जगह के प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, कि एहतियाती कदम उठा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले रुक नहीं रहे। ये ताज़ा मामला हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद का, जहाँ पर बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने अटैक किया। देखिए बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात की जाए या और भी क्षेत्रों की बात की जाए, इस समय जो बच्चे हैं वो अनसेफ हैं। आवारा कुत्ते जो हैं, स्ट्रीट डॉग जो हैं, वो कहीं भी उन्हें छोड़ नहीं रहे। वो गली मोहल्ले में जाते हैं, वहां उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वे सोसाइटी में भी रहते हैं तो सोसाइटी में जिस तरह का ये सीसीटीवी सामने आया, इस सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि रामप्रस्था ग्रीन का ये मामला, जहाँ पर सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है, और कुत्तों का झुंड एक 11 वर्षीय बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है और उसे अपना शिकार बना लेता है, काट लेता है। वहाँ जब गार्ड्स जो होते हैं वो कुत्तों को भगाते हैं, तो जिस तरीके से देखे जा रहे कुत्तों के जो मामले हैं लगातार काटने के, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि हम इन कुत्तों को वहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि ये गाइडलाइन है कि अगर हम वहाँ कुत्तों को हटाते भी हैं तो वहीं हमें उसी जगह उन कुत्तों को वापस छोड़ना भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, वो चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तो 11 वर्षीय बच्ची थी जिसका नाम था भव्या, ये 11 वर्षीय रामप्रस्था ग्रीन सोसाइटी में रहने वाली बच्ची थी जो बाहर से आ रही थी, और अचानक आप देख सकते हैं कि तीन कुत्तों का झुंड है इसके ऊपर टूट पड़ता है और ये भाग के अपनी जान बचाती है, वहीं इसके पैर में काट लेता है। तो बहुत सारे ऐसे मामले आजकल आ रहे हैं। अगर पालतू कुत्तों की बात की जाए तो पालतू कुत्ते अलग शिकार बना रहे हैं, स्ट्रीट डॉग की बात की जाए तो स्ट्रीट डॉग अलग शिकार बना रहे हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है, जिस तरीके से, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे इस समय अपने आप को अनसेफ मानते हैं। लेकिन अकेला बच्चा क्या घर से, इस तरीके अगर से बच्चा बाहर जाता है तो बच्चा घबराता जा सकता है। अब क्या कह रहा है नगर निगम प्रशासन, किस तरीके से और मुकम्मल कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि लोग खौफजदा हैं, लोग डरे हुए हैं गाजियाबाद के।
देखिए बिल्कुल लोग खौफ ज्यादा हैं, लोग डरे हुए हैं और बार बार शिकायत भी की जाती है, बार बार कहा जाता है कि हमारे बच्चे घर से बाहर निकले कैसे। तो नगर निगम की तरफ से हालांकि ये कहा जाता है कि हम इस पर अभियान चला रहे हैं, कुत्तों को पकड़ने का भी अभियान चलाते हैं। जो कुत्ते इस तरह के हैं, जो हिंसक कुत्ते हैं, उन कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की। तो वही, लेकिन ये खाना पूर्ति ही नजर आती है और कागजों में ही नजर आता है कि कुत्तों को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए जो हिंसक कुत्ते हैं उनके लिए शेल्टर रूम भी बनाए जाते हैं, उन्हें शेल्टर हॉट भी बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं उन्हें। लेकिन कहीं भी कुत्तों को उठाने के लिए हमें कहीं भी ऐसी गाड़ियां नजर नहीं आती है, दिखती नहीं है। हालांकि कागजों में जरूर दिखाई देता है, कागजों में ये सब दिखाई देता है कि लगातार अभियान चलाया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि समाज में छोटे छोटे बच्चे अगर डर के रहेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने माँ बाप के बिना तो निकल ही नहीं सकते। जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, सीसीटीवी सामने आया कि बच्ची अकेली है तो उसमें कुत्तों का झुंड हमला कर देता है, तो खौफ ज्यादा है। वहीं बच्ची के माँ बाप का भी साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से हमारी बच्ची पर हमला हुआ, हालांकि ये एक पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे गाजियाबाद और नोएडा हो, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो ज्यादा ही मामले कुछ सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में ऐसे कितने ही मामले सामने नजर आ चुके हैं। वहीं कई सोसाइटियों की बात की जाए तो कई सोसाइटी के लोग तो धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं इन कुत्तों को हटाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो डॉग लवर हैं वो सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो भी सामने आ जाता है। तो ये साफ तौर पर देखा जाता है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि कुत्तों को हटाने के लिए ये अभियान लगातार चलाता है, लेकिन वो नगर निगम की बात की जाए तो हिंसक कुत्तों की बात करता है कि हिंसक कुत्ते, लेकिन कुत्तों की पहचान कैसे हो। लेकिन कुछ तो करना होगा, सकती है कि कदम उठाने होंगे। इस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों में डर है, बच्चों में डर है, पार्क में जाते हैं वहीं पर काट देते हैं, सोसाइटी के बाहर निकलते हैं वहीं पर कुत्तों का शिकार हो जाते हैं, कदम उठाने होंगे। शक्ति, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।